राम, मैं मीना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। कैसे हो आप सब लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो गाइस, जैसे कि विंटर भी आ गया है एंड वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो गया है, तो वेडिंग सीजन एंड विंटर रिकॉर्डिंग मैंने बहुत ही चुन चुन के आपके लिए आज मैं बहुत ही प्यारी प्यारी सी वेलवेट की साड़ी की कलेक्शन लेके आ गई हूँ मीशो से। मीशो से मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइनर वेलवेट की साड़ियाँ परचेस करी है स्पेशली इस वेडिंग सीजन। और ये जो साड़ियाँ हैं ना, काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। जो भी मैं आपको दिखाऊंगी आपको 700 के अंदर मिलेगी। क्वालिटी वाइज सभी बहुत ज्यादा अच्छी हैं, पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो आज का कलेक्शन होने वाला है एकदम टॉप नॉच होने वाला है, बहुत ही सुंदर है। अगर किसी भी वेडिंग पार्टी में आप इन साड़ियों को पहन के चली जाएंगी ना, आप अलग से ही दिखेंगे और सभी बोलेंगे कि आप बहुत सुंदर लग रही है, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से लिया। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इनमें से आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा दोनों चीजें मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे जानना रहता है कि आपको कौन सी चीजें अच्छी लगी और कौन सी नहीं अच्छी लगी। जो अच्छा लगेगा उसको बताइएगा, जो नहीं अच्छा लगा उसको भी बताइएगा, ठीक है। और सभी के परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वहां से जाके आप इजीली परचेस कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट। जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने साड़ी मंगाई है वो, जैसे कि मैंने बताया है, इस कलेक्शन में मैंने सभी वेलवेट की साड़ियां मंगाई हैं और इसमें मैंने तीन साड़ी पिक किया है, ज्यादा नहीं है, बस तीन ही दिखाऊंगी और तीनों बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैंने दो और मंगाई थी बट वो मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने रिटर्न कर दिया, क्योंकि मैं वही चीज आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ जो पर्सनली मुझे पसंद आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साड़ी मैंने मंगाई है ग्रे कलर में और ये काफी अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुई है, प्योर वेलवेट की है। जैसे कैमरे में कलर दिख रहा है वैसे दिख रहा है। और हाँ, एक चीज और बताइएगा, मेरे पहले की वीडियो से आज वाली जो वीडियो है इसकी क्लियरिटी कैसी लगी, क्योंकि मैंने नया फोन लिया है और आज मैं फर्स्ट टाइम नए फोन से वीडियो शूट कर रही हूँ। सो आप लोग बताना, क्योंकि आप लोग बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो की क्वालिटी कैसी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साड़ी ग्रे कलर में मैंने मंगाई है, इसमें आपको और भी सारे कलर मिल जाएंगे। साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूरी साड़ी आपको प्लेन मिल जाती है। एंड इसके आंचल पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, पल्लू पोर्शन से। सो कुछ इस तरह से वेलवेट की क्वालिटी काफी अच्छी, बहुत ज्यादा हैवी वाला वेलवेट नहीं है। हाँ, मतलब ना बहुत ज्यादा मोटा है ना बहुत ज्यादा पतला है, काफी अच्छा है। और इस तरह से देखिए इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे सीक्वेंस एंड गोल्डन थ्रेड वर्क हो रखा है, काफी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी है। पूरे बॉर्डर पे आपको इसी तरह से रनिंग बॉर्डर मिल जाता है। साड़ी का कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा है मुझे, क्योंकि ऐसे कलर ना काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और हर एज ग्रुप पे भी अच्छे लगते हैं। सो जहां तक आपको पल्लू का पोर्शन है वहां ऊपर साइड आपको बॉर्डर मिलता है और बाकी साड़ी आपको प्लेन मिल जाती है और पूरी साड़ी में इसी तरह से रनिंग बॉर्डर मिलता है आपको इस तरह से। बॉर्डर की जो एम्ब्रॉयडरी है उसकी फिनिशिंग वगैरह मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी है और पूरी साड़ी में इसी तरह से है। क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। ऐसी साड़ियां ना कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है और वेलवेट की साड़ियों का, वेलवेट के कपड़ों का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है। मैंने देखो वेलवेट का पहना भी है ये शूट, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है और हल्की फुल्की ठंड के लिए ये साड़ियां, ये फैब्रिक काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो पूरी साड़ी आपको इसी तरह प्लेन मिल जाती है, बैक से भी फिनिशिंग, बैक से क्या बोले, बैक से कुछ इस तरह से है जो कि आपको चुभने उभने वाला नहीं है। पूरी साड़ी कुछ इसी तरह से मैंने आपको दिखा दिया, इसमें जैसे मैंने बताया बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और पूरे बॉर्डर पे सीक्वेंस भी लगे हैं छोटे छोटे, आप देखिए छोटे छोटे से सीक्वेंस लगे हैं, आई थिंक कैप्चर कर पा रहा हूँ कैमरा। सो इस तरह से पूरी साड़ी आपको मिल जाती है। बात करते हैं इसकी ब्लाउज पीस की, और ये जो साड़ी है ना 5.5 मीटर की मिलती है, परफेक्ट साइज है, छोटी नहीं होने वाली है। इसका जो ब्लाउज का पीस है काफी ज्यादा हैवी है, अब देखिए बहुत ही हैवी ब्लाउज पीस यहाँ पे रिसीव होता है आपको कुछ इस तरह से। ये आपका फ्रंट का है एंड ये आपका बैक का है और स्लीव्स का भी इसी में है, ये देखिए इधर आपको स्लीव्स के लिए मिल जाता है और यहाँ इसकी भी एम्ब्रॉयडरी काफी ज्यादा सुंदर है, जो बॉर्डर लगा है उसी से मिलती जुलती एम्ब्रॉयडरी की गई है। 8 सिल का फैब्रिक होने वाला है, ब्लाउज के फैब्रिक की भी क्वालिटी काफी ज्यादा सुंदर है और ये ब्लाउज आप ना किसी दूसरी की साड़ी, दूसरी साड़ी के साथ में भी वेयर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है।
का जो साड़ी कलेक्शन है, जो साड़ी हाल होने वाला है वो वेलवेट के ऊपर होने वाला है। सो मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कलर की मंगाई है और ये फर्स्ट साड़ी जो आपने देखी उसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे एंड इसमें भी आपको ढेर सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे देखिए बॉटल ग्रीन कलर में मंगाई है, काफी प्यारी है और इसको सो देखिए इस तरह से गोल्डन थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की गई है। एम्ब्रॉयडरी ऐसे मिलती है ग्रीन कलर में, पूरी साड़ी एज इट इज है। इसका फैब्रिक काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं बात करूं ये ग्रे वाले का फैब्रिक मुझे क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि जैसे इसका दाम है वैसे काम है। और ये साड़ी मुझे अंडर 500 मिली थी, 400 कुछ रुपए, 450 के आसपास की थी, तो उस अकॉर्डिंग इसका भी फैब्रिक बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि खराब है, फैब्रिक अच्छा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आपको मिल जाता है। बॉर्डर की फिनिशिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा थ्रेड वर्क का काम हो रखा है और पूरी साड़ी आपको एज इट इज प्लेन मिल जाती है। डालने के बाद भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, कलर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा कलर है। पूरी साड़ी आपको एज इट इज मिल जाती है, फैब्रिक वगैरह सब कुछ अच्छा है। बस मैंने बताया ग्रे वाली का थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा हल्का है, बट कपड़ा ऐसा नहीं है कि खराब आया, खराब कपड़ा नहीं आया है। प्राइस अकॉर्डिंग 10 out of 10 साड़ी होने वाली है। पूरी साड़ी पे इस तरह से रनिंग बॉर्डर मिलता है। सो ये हो गई साड़ी की बात। इसका कलर पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, ब्लैक था, मरून था, पर्पल था, बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर थे, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते। मेरे पास ये वाला कलर नहीं था वेलवेट में, मैंने ये वाला लिया, बहुत ही प्यारा रिसीव हुआ है और मतलब मैं दंग रह गई कि इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी साड़ी कैसे रिसीव हो गई। तो पार्टी फंक्शन के लिए भी ये साड़ियाँ बेस्ट है। और हाँ मैं आपको बताऊँ, ऐसी साड़ियाँ ना आप लेके एक दो बार पहन के फिर इनका रीयूज कर सकते हैं, अच्छे अच्छे से ड्रेसेस बनवा सकते हैं। वेलवेट के ड्रेसेस आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो मैं तो यही करने वाली हूँ, एक दो बार पहनने के बाद किसी फंक्शन में इसका मैं रीयूज करूंगी। सो ये होगी हमारी सेकंड साड़ी। बात करते हैं इसके ब्लाउज पीस की, तो ब्लाउज पीस पूरा भरा हुआ एम्ब्रॉयडरी का काम मिल जाता है। आप देखिए ग्रीन कलर के ऊपर पूरा गोल्डन कलर के जरी एंड थ्रेड वर्क, जरी थ्रेड एंड सीक्वेंस का पूरा वर्क हो रखा है। पूरी जाल पैटर्न में कढ़ाई हुई है इसमें, देखिए पूरी भरी हुई एम्ब्रॉयडरी है। और ऐसे ब्लाउजेस ना किसी अदर साड़ी के साथ में वेयर करेंगे, रेड गोल्डन बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाली है, येलो के साथ में, पर्पल के साथ में, मतलब बहुत सारे कलर के साथ मिस मैच करके पहन सकते हैं। पूरा भरा हुआ काम है, पूरे 80 सेंटीमीटर का आपको ब्लाउज पीस मिल जाता है और पूरा आपको भरा हुआ इस तरह से काम मिल जाता है। इसका ब्लाउज का पीस मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा है, अगर इसमें पॉसिबल होगा तो मैं फुल स्लीव्स ब्लाउज बनाने वाली हूँ। सो बहुत ही प्यारा सा है, आप पास से देखिए एम्ब्रॉयडरी कितनी अच्छी है, बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी है। तो ये हो गई ब्लाउज पीस की बात। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट साड़ी की तरफ। तो ये साड़ी मैंने इस साल नहीं परचेज करी थी, नेक्स्ट ईयर मैंने परचेज करी थी। एक्चुअली मुझे 2 साल हो जाएंगे, इस दिसंबर मुझे 2 साल हो जाएंगे ये साड़ी परचेज कर किए हुए। और जब मैंने क्योंकि जब मैंने अपने न्यू घर में शिफ्ट किया था, जब हमारा गृह प्रवेश था, तब उसके लिए मैंने मंगाया था। और ये साड़ी ना काफी ज्यादा महंगी थी, बट जब ये साड़ी मैंने मंगाया था 1400-1500 के आसपास मिली थी, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई मैंने मंगा लिया। बट ये साड़ी अभी 650-700 के बीच में मिल रही है, जो भी अगर लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डेफिनेटली ट्राई जरूर करिएगा। और मैं पिक्चर यहीं पर लगा दूंगी, मैंने अपने गृह प्रवेश की पार्टी में पहना था ग्रह, सो इतनी चढ़ के बड़ाई में कर रही हूँ तो साड़ी दिखाई देती हूँ। तो ये है वो ब्यूटीफुल सी साड़ी, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। जी हाँ, ये पर्पल कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी, इसको मैंने जब बाय किया था तो मुझे 1500 में मिली थी, बट अभी इसके प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, 700 के आसपास मिल रही है, तो डेफिनेटली लीजिएगा। इसका फैब्रिक बहुत ही ज्यादा औसम है, इसमें 2 कलर आपको मिल जाएंगे, एक मैरून एक ये, इतना प्यारी क्वालिटी आई है ना मैं क्या ही बताऊं। आप देख सकते हो जो 2 साड़ियां मैंने आपको दिखाई उसकी अपेक्षा इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए आपको देखने से पता चल जाएगा। और ये काफी थिक वाला वेलवेट है, वेलवेट कई तरह के आते हैं मोटे पतले, तो ये काफी थिक वाला वेलवेट है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। पूरी साड़ी आपको इसी तरह से प्लेन मिलेगी और काफी हैवी साड़ी है ये। आंचल पोर्शन से अगेन स्टार्ट करते हैं। सो इस तरह से पूरा भरा हुआ आप देखिए काम मिलता है बॉर्डर पे, और इस तरह की लेस लगी हुई है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग के साथ में एवं बॉर्डर लगाया गया है। बॉर्डर की डिटेलिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और इस वेडिंग सीजन आप ना कहीं भी इसको पहन के जाने वाले हो ना, सबसे अलग हटके लगने वाले हो, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है ये। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी, इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा औसम आया है,
पूरी साड़ी पे आपको इसी तरह से रनिंग बॉर्डर मिलता है, इस तरह से रनिंग बॉर्डर मिल जाता है पूरी साड़ी पे, और जहाँ पे आप टक करते हैं 1 मीटर फैब्रिक आपको प्लेन मिलता है। सो इसको मैंने 2-3 बार पहन लिया, मैं सोच रही हूँ इसका बहुत ही सुंदर सा लहंगा मैं बनाऊंगी, और जब भी बनाऊंगी तो अपने स्टिचिंग चैनल पे शेयर करूंगी। स्टिचिंग चैनल को मेरे फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टाइलिश फैशन वर्ल्ड नेम से है। तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मैं डालती हूँ, रियूज आइडियाज भी डालती हूँ साड़ी के। सो ये देखिए बहुत ही प्रॉपर फिनिशिंग के साथ किया गया है, और बैक से इसका फैब्रिक देखिए कि आप देखा दोनों साड़ियां आर पार दिख रहा था ना, बट इस साड़ी में आपको आर पार नहीं दिखेगा। इसका जो फैब्रिक है काफी ज्यादा थिक है और अच्छा है। ये अगर अच्छी खासी ठंडक भी हो रही होगी ना, आप डालोगे ना तो ठंड नहीं लगने वाली होगी। डालने के बाद देखिए कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, इसका कलर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, और इस साड़ी को वेयर करने के बाद ना बहुत ही रॉयल लुक आता है, ऐसे लगता है कि आपने हजारों की साड़ी पहनी हो। सो आपको 1000 नहीं खर्च करने हैं, बट आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाने वाली है पूरी साड़ी। एसीटीज है, देखिए बॉर्डर की डिटेलिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पास से मैं दिखा दे रही हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ में पूरी एम्ब्रॉयडरी की गई है बॉर्डर पे साड़ी की बात। और जैसे मैंने बताया इसमें ना देखिए डार्क एंड लाइट का रिफ्लेक्शन है, आप देखिए कहीं कभी डार्क कभी लाइट, ये चीज मुझे इसमें की बहुत अच्छी लगी, कभी डार्क कभी लाइट का रिफ्लेक्शन देती है। और इसकी क्वालिटी ऑसम है, टू गुड क्वालिटी मिल जाती है आपको, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है फैब्रिक क्वालिटी इसकी, ऑसम है गाइस, ले लीजिएगा। तो बहुत ही, मैं तीनों साड़ी की कंपेयर करके मैं आपको दिखा देती हूँ फैब्रिक, ये प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी साड़ियां बेस्ट हैं। ऐसा मत समझिए कि साड़ी खराब है, साड़ी खराब नहीं है, बट मैं क्वालिटी की बात कर रही हूँ। इसमें थोड़े से मैंने ज्यादा पैसे लगाए हैं, तो इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है। देखिए आप देख सकते हैं, मैं ग्रे वाली भी दिखा देती हूँ, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग देखिए साड़ी आपको लगेगी, पहनोगे ना तो दिखेगा कि हाँ क्या क्वालिटी आई भाई साहब, देख लीजिए। तो इसका ब्लाउज मैंने स्टिच कर लिया था, और यहाँ पे मैंने देखिए फुल स्लीव्स ब्लाउज बनाया था, बट ये इसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल अच्छी नहीं आई थी। साड़ी तो टू गुड है, बट ब्लाउज की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आई है। इस पे देखिए आपको इस तरह से सीक्वेंस का वर्क मिला था, बट मैंने दो बार ही पहना है मैंने ये साड़ी, एक बार किसी पार्टी में पहना था और एक बार अपने गृह प्रवेश के फंक्शन में पहना था। तो देखिए यहाँ पे जहाँ हमारा अंडर आर्म है वहाँ पे इसका फैब्रिक जो वेलवेट वाला फैब्रिक है वो उड़ गया है, निकल गया है, और जहाँ जहाँ देखिए यहाँ पे भी निकल गया है, और ये देखिए यहाँ पे इस साइड निकल गया। तो इतने अच्छे से मैंने ये ब्लाउज स्टिच किया था, और ये ब्लाउज मेरा पूरा बेकार हो गया है, मैं दिखाती हूँ आपको हुक लगा के। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सा मैंने ये ब्लाउज बनाया था, बहुत ही प्यारा सा इस तरह से ब्लाउज रेडी किया था मैंने, बट ये ब्लाउज बेकार हो गया है। मुझे मतलब इतना कष्ट हो रहा है इस ब्लाउज को देख के कि मैं क्या ही बताऊं। जगह जगह से देखिए इसका उड़ गया, ये इस पे जो वेलवेट है ना लगा, ऐसा लग रहा है ना कि इस पे चिपका दिया गया है, क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस साड़ी के साथ में ना आप कोई भी हैवी ब्लाउज वेयर कर सकते हैं, जैसे कि गोल्डन, गोल्डन तो बहुत अच्छे से जाएगा, और रेड वगैरह भी वेयर कर सकते हैं, येलो भी वेयर कर सकते हैं, तो साड़ी बहुत ही अच्छी है। सो गाइस ये रहा मेरा आज का मीशो वेलवेट साड़ी हॉल, आई नो पसंद जरूर आया होगा। सो इसमें से कौन सी साड़ी आपको पसंद आई और कौन सी नहीं आई वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखने चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि साड़ी हाल, सूट हॉल, बैंगल, ज्वेलरी, सब कुछ, सो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये ब्यूटीफुल सा मैंने चोकर पहना है, और ब्यूटीफुल सी इयररिंग्स, एकदम डायमंड का लुक दे रही ना, तो ये भी मैंने मीशो से ही परचेज किया है, लिंक सभी की मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। गाइस जाते जाते वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लेना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। सो गाइस मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए लेके आती हूँ, बट आप लोग रिस्पांस नहीं करते हो, आई डोंट नो क्यों, मुझ में कहाँ कमी है, एटलीस्ट ये तो बताया करिए मेरी वीडियो में क्या कमी रहती है वो बताया करो, तभी तो मैं सुधार करूँ। मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें चुन के लाती हूँ और प्रॉपर तरीके से दिखाती हूँ। सो बहुत मेहनत लगता है एक हॉल वीडियो बनाने में ना, पूरा दिल लग जाता है, आप मतलब कि उसको अब मैंने हॉल बनाया उसके बाद अब ट्राई ऑन करके भी दिखाऊंगी आपको। सो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस, सो प्लीज़ लाइक करो और रिस्पांस किया करो, कहाँ कमी है वो तो बताया करो, तभी तो मैं सुधार करूँगी। अगर आप लोग बिल्कुल रिस्पांस नहीं दोगे तो मज़ा नहीं आ रहा है काम में, यार कसम से कह रही हूँ मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, रिस्पांस करो, ताकि मैं और अच्छा वर्क कर पाऊँ। सो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।